केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध व राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में आरंभ बहुउद्देश्य संस्था की ओर से बुधवार को सेवाग्राम में मोजरी तक किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। बिजली ग्राहकों को सरकार की तरफ से एक और झटका लगने वाला है। इसकी तैयारी राज्य बिजली नियामक आयोग ने कर ली है। बिजली बिल की अमानत राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिजली बिल की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि अब 2 गुनी हो सकती है। हुड़केश्वर और लकड़गंज थाना क्षेत्र में युवती सहित 2 लोगों ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। मानेवाड़ा जूनी बस्ती निवासी महिमा शंकर दूधकंवर ने 6 दिसंबर की सुबह अपने घर में विष प्राशन कर लिया। दूसरी घटना जूनी मंगलवारी के गुजरी चौक परिसर में हुई। मृतक ताराचंद शंकर राव निमचे बताए गए। कोरोना पर नियंत्रण के तमाम उपायों के अनुसार लोगों को मास्क की अनिवार्यता भले ही लागू की गई, किंतु लोगों की ओर से धड़ल्ले से इसका उल्लंघन जारी है। एक और उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मनपा के उपद्रव शोध दल ने ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई जारी रखी है। राज्य सरकार ने 50 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाए जाने के बाद कुछ समय तक तो लगातार उत्पादनकर्ताओं और खरीदी बिक्री में शामिल व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। बुधवार को उस समय अजीबोगरीब मामला उजागर हुआ जब लंबे समय बाद उपद्रव शोध दल ने पतले पॉलीथीन की खरीदी बिक्री के लिए छापामार कार्रवाई की। विशेषतः मनपा के कॉम्प्लेक्स में ही इसका अवैध कारोबार चल रहा था। बताया जाता है कि सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत मस्का 7 में मनपा का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। नरेंद्र नगर रिंग रोड पर सुयोग नगर चौक पर ट्रेलर चालक ने दुपहिया वाहन पर सवार वृद्ध को टक्कर मार दी। ट्रेलर के नीचे कुचले जाने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया था। मृतक चक्रपाणी नगर हुड़केश्वर रोड निवासी दिनकर राव जागोजी शाह ने बताए गए। केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को एलोपैथिक सर्जिकल करने की अनुमति देने के फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। राजपत्र के CCIM के अधिसूचना का विरोध करते हुए देश के सभी एलोपैथिक वैद्य के क्षेत्र के डॉक्टर शुक्रवार को आंदोलन करने वाले हैं। अजनी थाना क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में सेंध लगाकर नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मानेवाड़ा बेसा रोड निवासी राजेश केशवराव लिखार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अभिजीत बंजारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। कोरोना संक्रमण काल के बीच ऐतिहासिक लॉकडाउन के बाद एक बार फिर रेल परिचालन पटरी पर आता दिखाई दे रहा है। नए टाइम टेबल से पता चलता है कि रेल बोर्ड ने बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनें शुरू कर दी है। हालांकि एक और पूरा देश खुल चुका है, लेकिन अब भी कई जरूरी भारी मांग वाली ट्रेनें यार्ड में खड़ी है।